वेल इंट्रो में आपने जो क्लिप्स देखा वो Redmi Note 6 Pro से शूट किया हुआ था। नो कलर ग्रेडिंग और गिम्बल एक्सेप्ट द सेकंड शॉट। और प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में Redmi Note 7 लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार फिर से Note 6 Pro के कैमरा कैपेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। रियर साइड में आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और प्राइमरी लेंस f1.9 एपर्चर के साथ आपको मिलता है। द डे लाइट फोटोज आर एक्सीलेंट। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है इसकी कलर एक्यूरेसी। इट्स नॉट ओवर सैचुरेटेड और वाइट बैलेंस इसका हर वक्त बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन्ड है। यह आप तीन सेम पिक्चर्स देख सकते हैं रेगुलर मोड, AI और HDR मोड पे, और HDR एंड AI लुक्स सिमिलर। कलर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन स्काई के पोर्शन में आप एक ब्लैक एरिया नोटिस कर सकते हैं विच इज वियर्ड। और ज्यादातर स्काई पिक्चर्स में ही मुझे ये सेम प्रॉब्लम नजर आई है विच इज नॉट अ मेजर कॉन। बट ओवरऑल अगर मैं इसके रियर कैमरा की पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ देन इट्स रियली रियली गुड। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड के बारे में, और इस प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट है, प्रोबेबली दी बेस्ट। एज डिटेक्शन इसका बिल्कुल शार्प है और बैकग्राउंड ब्लर आपको बहुत ही नेचुरल मिलता है। हाउएवर इस पिक्चर में जो शू का पार्ट है वहाँ पर एज डिटेक्शन परफेक्टली नहीं आया है। इंडोर पिक्चर्स के बारे में बात करें देन अगेन द पिक्चर्स आर वेरी वेरी वेल एक्सपोज्ड एंड इट्स वे बेटर देन नोट 5 प्रो। इवन जूम इन करने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलती है। अच्छी बात यह है कि आप एक ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज भी जा सकते हैं। अगर लाइटिंग बहुत कम हो गया तो यहाँ पर आपको हल्का सा नॉइज देखने को मिलता है। और अगर मैं एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ भी आपको जो कलर एक्यूरेसी है वो सच में बढ़िया मिलती है। ना इसका ऑटो फोकस ब्लेजिंग फास्ट है थैंक्स टू इट्स 12 पिक्सल PDAF। सो दिस इज द रियर कैमरा सैंपल फ्रॉम द Redmi Note 6 Pro। और इस वक्त मेरे हाथ में कोई भी गिम्बल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली हैंड हेल्ड एंड यू कैन सी द एक्सपोजर एडजस्टमेंट, सैचुरेशन लेवल, शार्पनेस एंड एवरीथिंग। एंड लेट मी नो हाउ द वीडियो स्टेबलाइज्ड और नॉट। फोन के फ्रंट पे आपको 20+2 मेगापिक्सल का डुअल सेटअप मिलता है और यहाँ आप बहुत ही अच्छी सेल्फीज ले पाएंगे। पिक्चर्स का सैचुरेशन काफी नेचुरल है और आपको इनफ डिटेल्स मिल जाएंगे। हालांकि मुझे इसका फ्रंट कैमरा ज्यादा वाइड नहीं लगा, तो एक लार्ज ग्रुप सेल्फी के लिए आपको परेशानी हो सकती है। फ्रंट के पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन काफी शार्प आपको मिलती है एंड यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। इंडोर सेल्फीज के बारे में बात करें देन रिजल्ट्स आर हियर। द डिटेल्स आर वेरी गुड और पिक्चर्स में नॉइज लेवल भी काफी कम है। एक्सट्रीम लो लाइट सेल्फीज के बारे में बात करूँ तो ये मुझे उतना खास नहीं लगा बिकॉज इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं मिलते हैं, इसीलिए पिक्चर्स थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। सो गाइस ये है Redmi Note 6 Pro का फ्रंट कैमरा क्वालिटी एंड आई हैव नो गिम्बल अटैच्ड हियर एंड यू कैन सी द एक्सपोजर एंड एवरीथिंग हियर एंड राइट नाउ आई एम इन द आइजर कैंपस। तो गाइस 14,000 रुपीज में अभी भी इन माय ओपिनियंस Redmi Note 6 Pro का कैमरा बेस्ट डिटेल्स आपको ऑफर करता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा Note 7 Pro के ऊपर भी वीडियो डालने की। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में एंड पीस।